तो एक्चुअली हम यहाँ पे खो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। माया मेरो एक छोटी सुनी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जाने वाला हूँ झुलंगे पुल। बीरगंज में भी एक झुलंगे पुल है, तो वहाँ पे हम, मैं और मेरे राजन भाई जा रहे हैं झुलंगे पुल। आप लगे रहिए ब्लॉग में, आपको झुलंगे पुल दिखाता हूँ और उधर का माहौल दिखाता हूँ, हरियाली मतलब अच्छा लगता है। तो मीटा और राजन दाई और मैं जाने वाले हैं झुलंगे पुल। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं स्प्लेंडर से, राजन दाई का बाइक है स्प्लेंडर। अभी हम लोग घंटाघर पुग गए हैं और घंटाघर से हम लोग लिंक रोड होके जाएंगे। तो लगे रहिए आप ब्लॉग में, बहुत मस्ती होने वाला है। अगर आप बीरगंज से होंगे तो पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं कि बीरगंज में भी झुलंगे पुल है। बहुत कम लोगों को पता है कि बीरगंज में भी झुलंगे पुल है। तो जिनको नहीं पता, चलिए ब्लॉग में लगे रहिए, मैं ले चलता हूँ आपको झुलंगे पुल में। तो अभी हम लोग आ गए हैं लगभग बस पार्क। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं बस पार्क चौक पे आ चुके हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बस पार्क। और हाँ, आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ, जब से MCC लागू हुआ है ना नेपाल में, तब से मतलब नया नियम आ गया है, नेपाल में भी सैटरडे को एंड संडे को वीजा होगा, मतलब छुट्टी होगा, क्योंकि MCC लागू हो चुका है, इसलिए अमेरिकन रूल्स। तो आप देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज है बीरगंज का। ये आप ब्रिज देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम आया था ना तो इस ब्रिज में गिरते गिरते बचा यार, कुछ यूनिक ब्रिज है ये। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग गांव में आ गए। ना पुल चल दे, एक्चुअली हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं झुलंगे पुल, इसलिए रास्ता याद नहीं था। तो उस वाले अंकल से पूछ लिया कि झुलंगे पुल चल जाएगा ये रास्ता। नदी देख सकते हैं, यही नदी के ऊपर से झुलंगे पुल है। नदी तो बहुत गंदा हो गया है, पहले तो सफा था लेकिन अभी बहुत गंदा हो चुका है यार ये। तो अभी मैं इधर से रास्ता देखने जा रहा हूँ, रास्ता है कि नहीं। पिछली बार आए थे तो इसी रास्ते से गए थे, पता नहीं अभी इस वाले रास्ते वैसा है कि नहीं, मोटरसाइकिल हमारा जा पाएगा कि नहीं। तो रास्ता क्लियर है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। राजन भाई आइए, राजन भाई आ रहे हैं। रुकिए ना यार, कहाँ जा रहे हैं आप। गांव में आने पर एक बात का बहुत ही खुशी होता है, मतलब ऐसे हरियाली देखने को मिलता है, अच्छा लगता है यार। बीरगंज में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस गांव में आने पर अच्छा लगता है, हरियालियों में चलने पर। तो यहाँ पे आने पे थोड़ा बहुत डर लगता है यार, कोई इंसान देखने को नहीं मिलता है यार। आप देख सकते हैं दूर दूर कोई इंसान ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत डर लगता है यार। ये ट्री देख सकते हैं, ये बांस है बांस, और साइड में नदी, इधर बांस ही बांस। तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे खो गए हैं, ये देख सकते हैं आप कैसा है, इस वाले ठाव में हम लोग खो गए हैं। तो आ रहे हैं एक भैया, उनसे पूछ रहे हैं झुलंगे पुल जाने का रास्ता। झुलंगिया पुल जाने वाला रास्ता कौन सा है? झुलंगिया पुल आगा सीधे
बहुत धन्यवाद। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, हमारे सामने नदी है। आप यहाँ से 360 व्यू देख सकते हैं। हमारे राजन दाई और एक भाई यहाँ मिला था। तो चलिए आपको झुलुंगे पुल दिखाता हूँ। तो राजन दाई यहाँ पे अपना छाप छोड़ के जा रहे हैं। राजन तो राम ने अपना छाप छोड़ दिया है इधर, RAJAN राजन। तो इधर सामने हमारा राजन देख का बाइक। अब चलिए आपको झुलुंगे पुल दिखाता हूँ। ओ भाई क्या ट्री है यार, ये मिला के मैं यहाँ तीन टाइम आ गया। तो यहाँ बिरगंज में ऐसा जगह बहुत कम है यार, यहाँ मतलब गर्मी नहीं लगता। आओ मस्त बैठो, रिलैक्स करो, अच्छा ठाउँ लगता है, पूरी तरह हरियाली हरियाली और सामने नदी, झुलुंगे पुल और ट्री से मन बहलता है, अच्छा लगता है यार। आपको झुलुंगे पुल भी दिखाता हूँ। क्या हवा आ रहा है भाई, क्या हवा, ये मतलब एक टाइप का जंगल ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जंगल टाइप दिख रहा है। तो ठीक मेरे सामने झुलुंगे पुल है, मैं आपको झुलुंगे पुल दिखाता हूँ और उस पर थोड़ा मोटरसाइकिल भी चलाएंगे झुलुंगे पुल पे। ओ भाई क्या हवा आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं झुलुंगे पुल, बहुत बड़ा झुलुंगे पुल है। एक्चुअली ये हिलता है जाने पर, ये ऐसे ऐसे हिलता है ऐसे ऐसे। तो थोड़ा हवा खाते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सच में यहाँ आने पर रिलैक्स, मन शांत होता है, रिलैक्स होते हैं हम लोग। जय बजरंग बली। तो मैं और राजन दाई यहाँ पे बहुत देर रुके, वेट किए, हवा खाए, अच्छा लगा। अब यहाँ से चलते हैं, अब पूछते हैं राजन दाई को कैसा लगा। तो राजन दाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के कुछ और ही फील होता है। यहाँ पीसफुल प्लेस है ये वीरगंज का, यहाँ मतलब नेचर का बहुत कुछ, शांत इलाका है, बहुत कुछ देखने मिलता है, मन बहलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम अब तो फिर से आएंगे, हम लोग कभी यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे। सोच रहे थे यहाँ पिकनिक भी कर सकते हैं, ये पिकनिक करने के लिए भी अच्छा प्लेस है। आप देख सकते हैं उधर बैठ सकते हैं, आदमी लोग बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। और हवा और गर्मी के सीजन में एकदम नेक्स्ट लेवल मजा आएगा इधर, क्योंकि ये ठाऊ है, क्योंकि ये ठाव ही वैसा है यार, यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो यहीं पे पिकनिक करूँगा, मतलब अपने फ्रेंड लोग के साथ। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, मस्त। यहाँ थोड़ा देर और रुके तो हमें सोने का मन करेगा, क्योंकि नेचर ही वैसा है, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे ठाव में। अब जब भी मेरा मन सैड होगा तो इसी ठाव पे आऊँगा, बैठूँगा और उसके बाद जाऊँगा। जस्ट हम लोग गए थे गोरखा,
अब फिर से जाने वाले हैं बाहर, अब पता नहीं आउट ऑफ दिगन जाने वाले, कहाँ जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है, अभी प्लानिंग चल रहा है। वो ब्लॉग देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। अब पूछते हैं राम दई को कहाँ जाना है। तो ये आपको मुस्तांग अच्छा लगता है कि कहाँ जाना है? अभी उधर ही अच्छा लगता है, मुस्तांग मनांग हो गया, ये सब माउंटेन एरिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब हम लोग प्लानिंग करेंगे और माउंटेन एरिया ही जाएंगे। बल जस्ट एक हफ्ता पहले गोरखा गया था, अगर मेरा वो गोरखा वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए गोरखा वाला ब्लॉग देखिए, बहुत अच्छा है। तो उसके अब बहुत दिन बाद, 2-3 हफ्ता बाद फिर से हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। अब देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर आपको देखना है मेरा ब्लॉग तो चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, बहुत रिलैक्स कर लिए, बहुत बैठे, बहुत बातचीत किए, हवा खाए, अब यहाँ से चलते हैं घर के लिए। एंड ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय माय डियर फ्रेंड्स।